फ्रंट पर अच्छी खबर मिल रही है और क्या ये खबर जो है और अच्छी होगी, यानी इसमें और हम बढ़त देखेंगे। तो इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ बुराना मानो टैक्स से में जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट और सीए यतेंद्र खेमका जी। थैंक यू मिस्टर खेमका, आज आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो टैक्स कलेक्शन में जो फिगर्स सामने आ रहे हैं कि 30 अगस्त तक ही बात हो रही है कि 4.8 लाख करोड़ रुपये का जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। सीबीडीटी चेयरमैन ने भी कहा है और ये भी उम्मीद जताई है कि आगे और भी ज़्यादा जो है हम टारगेट्स को क्रॉस करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस वृद्धि के पीछे क्या वजह रही है और हम इस नंबर को, वो जो एक टारगेट दे रहे हैं और भी बड़ा टारगेट दे रहे हैं कि वो 14.20 लाख करोड़ को क्रॉस करेंगे, आपको ये लग रहा है अचीवेबल? ये तो जब मैंने बजट की अपने डिस्कशंस में कई बार कहा था कि जो ये 14.something लाख करोड़ रुपया है जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के माध्यम से हमारे पास गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है बजट एस्टिमेट में, इससे भी ज्यादा बढ़ के ये चीज आएगी। वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट के रूप में गवर्नमेंट ने खुद भी अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा था और अदरवाइज भी ये जो दूसरे इकोनॉमिस्ट भी हैं इसे कंजर्वेटिव बजट एस्टिमेट ही मान रहे थे। तो कंपेयर टू आज जो रियल सिचुएशंस है, जो हमारा ग्रोथ का आफ्टर है और साथ में जो हम टैक्स कंप्लाइंट सोसाइटी बनने की ओर बढ़ रहे हैं, जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा टैक्स जो है प्रॉपरली कैलकुलेट होके हम अपनी टैक्स कंप्लाइंट हो और अपने बिजनेसेस ट्रांजैक्शंस को ज्यादा बेटर कर सके और उसके अनुसार जो भी टैक्स बन रहा है उसको दे सके। उसमें दो कारण और भी है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो काफी कम हुआ है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो टैक्सेशन है वो बढ़ रहा है दिनों दिन, और साथ में जो इंडिविजुअल लोग भी हैं वो भी अपनी टैक्स कंप्लाइंसेस पूरी तरह से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट ने भी जो डाटाज अवेलेबल करवा रहे हैं AIS के माध्यम से या 26AS के माध्यम से, तो वो भी इसमें एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, लोगों को अपनी टैक्स कैलकुलेशन सही रूप से करने में वो मदद कर रहा है। जी, तो फिर लग रहा है कि जो सीबीडीटी चेयरपर्सन जिस आंकड़े को क्रॉस करने की बात करें वो खबर हमें मिल सकती है, क्योंकि बार बार खेमका सर यही बता रहे कि ये भी कंजर्वेटिव ही आंकड़ा है, यानी इसको थोड़ा सा दबा कर ही अभी लोग कह रहे हैं तो हम इसे क्रॉस करेंगे। चलिए ये तो अच्छी बात है, देश में अगर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पर सरकार के पास भी ज़्यादा पैसे होंगे और कामों के लिए। अब मैं फोकस करना चाहूँगी आपके साथ अपडेटेड रिटर्न पर। ये वो खास विंडो है जो लोगों को मिलती है जिन्होंने रिटर्न भरा है और वो अब अगर उसमें कुछ गलती उसे सुधारें, तो ज़रा समझाइए ये अपडेटेड रिटर्न अगर कोई फाइल करना चाहता है तो इसका प्रोसेस क्या होता है, किन करदाताओं को ये अपडेटेड रिटर्न भरने का मौका मिलेगा? ये प्रियंका जी, जिन लोगों ने या तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर दी है या नहीं भरी है, तो सिचुएशन में और ये उन लोगों को अवेलेबल है जो अपनी कोई आय है वो छूट गई है या कोई टैक्स कैलकुलेशन गलत हो गई है जिससे कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा बन रही है, और तो ये उन लोगों को फैसिलिटी गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाई है। और कोई भी करदाता फाइनेंशियल ईयर 19-20 के जो असेसमेंट ईयर है 20-21 उसके बाद 2 साल उसको मिलते हैं, तो जैसे कि अब ये 22-23 में है तो 19-20 का फाइनेंशियल ईयर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो असेसमेंट ईयर है 20-21 उसकी रिटर्न मार्च 23 तक वो लोग अपनी करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई गलती उनमें रह गई है, कोई अपना कैपिटल गेन नहीं दिखला पाया, कोई अपनी इनकम को कोई चीज इंटरेस्ट की कंपोनेंट नहीं दिखला पाया या कम दिखला पाया है, तो उन सब लोगों को ये अवेलेबल फैसिलिटी गवर्नमेंट ने करवाई है जिससे कि उनको कोई नोटिस का सामना या 148 के नोटिस का सामना या और कोई इंक्वायरी प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी ना लगे। अब अगर इसको फिर से भरा जाएगा, कोई अपनी कोई इनकम भूल गया है उसको डालेगा अपडेटेड रिटर्न में, उसे भरेगा, तो जाहिर तौर पर टैक्स लायबिलिटी भी जो है वो अब बदल जाएगी और अपडेटेड रिटर्न भरने पर भी आपको कुछ ब्याज देना होगा क्या उस टैक्स पर? जरा टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी ये समझाइए। तो उसमें ऐसा है कि अगर किसी ने रिटर्न नहीं भरी है तो सबसे पहले वो अपनी रिटर्न भरे, अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करे और पूरा जो भी उसके हिसाब से
टैक्स प्लस इंटरेस्ट लेट फाइलिंग का एडवांस टैक्स का जितना भी इंटरेस्ट है वो दोनों कैलकुलेट कर ले। अगर उसका फर्स्ट ईयर है तो आप जैसे 19-20 का भरेंगे तो वो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में उस दोनों का कंपोनेंट को मिला के 50% और उस पर जोड़ दें और वो अपनी पूरा टैक्स जमा करवा दें। साथ में जो 5 ईयर की पेनल्टी है जो कि लेट फाइलिंग भी है वो भी साथ में लगेगी। तो ये सारा कंपोनेंट जमा करवाएं और अपनी इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके और 139(8)A सेक्शन है जिसके अंदर अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। तो जब आप जाएंगे तो वो पूछेगा कि आपकी ये आपने पहले रिटर्न भरी है या नहीं भरी है। अगर नहीं भरी है तो आप उसको उस ऑप्शन को चूज करें कि नहीं भरी है और 139(8)A का ऑप्शन चूज करें तो आपके पास वो फॉर्म और फैसिलिटी खुल जाएगी और आप अपना ड्यूली उसको फिल करके भर सकते हैं। अगर आपने पहले भरी हुई है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट डाल के आप उसको इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी जो इस प्रोसीजर से बनेगी, जो आपने ये सारा कैलकुलेट करेंगे और जो आपने पहले टैक्स जमा करवाया है उसमें से उसको घटा दिया जाएगा, तो उस हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी का छुटकारा आप लायबिलिटी को दे सकते हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो खेमका जी, हम अपडेटेड रिटर्न वो लोग भी भर पाएंगे क्या जो जिन्होंने रिटर्न नहीं दायर की है उन 2 सालों की, या सिर्फ ये उनके लिए है जो उन्होंने रिटर्न भरा और उसमें कुछ गलती की उसे सुधारेंगे? इस पर जरा सा मैं क्लैरिटी चाहूंगी क्योंकि मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों ने रिटर्न भरा है और कुछ गलती हुई उसे सुधारना है, या फिर जिन्होंने नहीं भरा वो भी भर सकते हैं इसे? नहीं प्रियंका जी, जो लोगों ने रिटर्न नहीं भी भरा वो भी भर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपका अगर रिफंड बन रहा है तो आप रिफंड के लिए रिटर्न नहीं भर सकते। अगर आपकी लॉस की रिटर्न है तो उसके लिए भी रिटर्न नहीं भर सकते। लेकिन आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है और आपने वो टैक्स लायबिलिटी जमा नहीं करवाई तो इस प्रोसीजर से जाके आप रिटर्न भर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है 1 साल या 2 साल का, जैसे भी मैंने बताया कि 24 महीने तक का असेसमेंट ईयर जब खत्म हो गया जो भी रेलिवेंट है उससे आप भर सकते हैं। तो 1/4/22 के बाद जो 19-20 फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है या उसके बाद के लिए हो गई है जी। तो जो लोग रिटर्न नहीं भी भरी है तो वो भी लोग इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी इस पेनल्टी के साथ जो इंटरेस्ट की पेनल्टी लगाई है गवर्नमेंट ने इसके साथ अपनी रिटर्न एक्स्ट्रा जमा करवा सकते हैं जी। अब ये बताइए कि करदाताओं को 31 जुलाई तक ITR फाइल जो कर चुके हैं 31 दिसंबर 2022 तक वो रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं। अगर किसी टैक्सपेयर को 31 दिसंबर के बाद अपनी गलती का पता चलता है तो क्या उसे गलती सुधारने के लिए फिर अपडेटेड रिटर्न ही भरना पड़ेगा क्या? 31 दिसंबर 2022 के बाद फिर कोई विंडो नहीं रहेगी अपडेटेड रिटर्न के अलावा? जी, अगर जिसने 31 जुलाई तक रिटर्न भरी है उसके पास अभी मौका है, वो 31 दिसंबर तक अपनी रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। उसमें रेगुलर प्रोसीजर के हिसाब से इंटरेस्ट और लेट फाइलिंग फीस लगेगी और अगर फिर भी अगर कोई रह जाती है किसी व्यक्ति से तो घबराएं नहीं, आपको गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है। नोटिस आने से पहले पहले अपनी इनकम टैक्स का डिस्क्लोजर इनकम का डिस्क्लोजर उसके अकॉर्डिंग उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके दिसंबर के बाद भी अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से आप जमा करवा। अच्छा, जब हम रेगुलर रिटर्न भरते हैं खेमका सर तो हमें उसे वेरीफाई करना होता है, क्या अपडेटेड रिटर्न के केस में भी उसे वेरीफाई करना होगा? इसका प्रोसेस क्या होगा? जी, उसको भी आपको अपडेटेड रिटर्न को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। उसमें दो ही ऑप्शन है, ई वेरिफिकेशन साथ में या फिर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आप उसको वेरीफाई कर। ठीक है, तो इससे भी आपको वेरीफाई करना है, इसका ख्याल रखिए। अगर वेरीफाई नहीं करते तो आपका रिटर्न बिना वेरीफाई नहीं करेंगे तो वो मानी नहीं जाएगी। बिल्कुल, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। भले ही आप अपडेटेड रिटर्न भर रहे हैं यानी आपको पुराना पिछला रिटर्न जो आपने नहीं भरा या कुछ मिस कैलकुलेशन हुई उसे ठीक कर रहे हैं, पर इसे भी वेरीफाई करना जरूरी है।